दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं माननीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री नितिन गडकरी जी का। श्री नितिन गडकरी जी, जिनको हम जानते हैं नए नए कीर्तिमान बनाने के लिए, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट या हाईवेज हो या फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। मैं साथ में स्वागत करता हूं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया श्री शिव सुब्रमण्यन रमन जी का भी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद के लिए एकदम कटिबद्ध है। और जो हम समझते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, वो ये है कि इन लोगों को अवेयरनेस की बहुत दिक्कत है। मतलब जो स्कीम सर आप अनाउंस करते हैं, जो नोटिफिकेशन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जब भी अनाउंस करते हैं, इन लोगों को पता नहीं चल पाता कि कैसे उनको यूज करना है उन स्कीम्स को। इसलिए सर चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सर कि हमारे आज उसमें जो व्यूअर्स हैं वो 2.86 करोड़ हैं। इसमें सर जितनी भी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के बारे में बहुत ही सिंपल शब्दों में हम बताते हैं एमएसएमईज और स्टार्टअप को कि कैसे वो इन स्कीम को यूज कर सकते हैं। सर हमने खास तौर से इस कोविड के समय में जब हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, कोई हमसे मिल नहीं सकता था, पूछ नहीं सकते थे कि कैसे किसी स्कीम को यूज करना है, हमने बहुत सारी वेबिनार्स यूज की सर और उसमें पूरी देश से लोग जुड़े। और जो वेबिनार्स हमने यूज यहाँ पर की सर, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए की, चाहे वो सिडबी हो, जैम हो, ट्रेड्स हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री हो, बैंक्स हो, आईपीआर के ऊपर हमने किया सर, डिलेट पेमेंट के ऊपर हमने किया। इस तरह से हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए सर। मुझे बड़ा गर्व और खुशी है सर कि आपके साथ भी इससे पहले दो बार हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं और हम सौभाग्यशाली हैं सर कि आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहता है। सर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की तरफ से सर एक एमएसएमई ग्रंथ बना रहे हैं। ये एमएसएमई ग्रंथ जो होगा सर, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगा और हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे सर कि अगर इसकी लॉन्चिंग के लिए आप हमें थोड़ा सा समय दे पाएं। ये जो एमएसएमई ग्रंथ है सर, इसमें जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, अभी दिक्कत ये होती है सर कभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ किसी एक मिनिस्ट्री की है, कुछ दूसरी मिनिस्ट्री की है, कुछ रिजर्व बैंक की है। वो अगर कोई भी एमएसएमई या स्टार्टअप ढूंढना चाहता है इन स्कीम्स के बारे में, तो उसको बार बार अलग अलग जगह जाना पड़ता है और वो पता नहीं चल पाता है कि क्या क्या स्कीम कहाँ कहाँ पर है। हम एक ऐसा ग्रंथ बना रहे हैं सर जहां पर जितनी भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, सभी की स्कीम्स, नोटिफिकेशन, मेन डॉक्यूमेंट सब एक जगह पर होंगे। सर इसके अलावा जो अवेयरनेस के लिए हमने एक एमएसएमई की पाठशाला भी शुरू की है। मेरा ये मानना है सर कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेज, एमबीए कॉलेजेज, इस तरह के जो मैनेजमेंट कॉलेजेज हैं वो तो बहुत हैं जो मैनेजर्स बनाते हैं, लेकिन जो आपका विजन है सर कि जॉब क्रिएटर देन जॉब सीकर, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेनर्स नहीं है शायद। तो हमने सर एक एमएसएमई की पाठशाला शुरू किया है जिसमें हम कर रहे हैं कि एक अगर स्टार्टअप है उसको अपना बिजनेस शुरू करना है तो कंपनी कैसे बनानी है, फॉर्म एलएलपी कैसे बनानी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है उनके लिए, या फिर लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, जितने और भी अगर जो स्कीम्स हैं उनको कैसे यूज करना है, मतलब और अल्टीमेटली ग्रोथ कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसके लिए हमने 18 दिन का एक कोर्स शुरू किया है सर। और बहुत ही सीधे शब्दों में मैं अगर निवेदन करूंगा कि अगर हम ऑफर करते हैं कि अगर मिनिस्ट्री भी उन जो वीडियोज हैं अपनी साइट्स पर डालना चाहे तो हमें बड़ी खुशी होगी। साथ में सर हम अभी बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर एक फैसिलिटेशन सेंटर भी शुरू कर रहे हैं जहां पर कोई भी आएगा वॉक इन करके आए, आकर हमसे मिले, जो भी उनको जानना है हमसे जाने, ऑनलाइन भी अगर वो चाहते हैं तो हम ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर रहे हैं, कभी भी हमसे आकर या ऑनलाइन हमसे किसी भी बारे में, किसी स्कीम के बारे में जान सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन उद्यमी मित्र पर लोन अप्लाई करना हो, पीएसबी पर करना हो, या वो उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना हो, वो कर सकते हैं।
सर बस कुछ थोड़े से रिकमेंडेशन है। वैसे जब भी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने हमेशा हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया है और बड़े पॉजिटिवली आपने उनको कंसिडर करके जो भी पॉसिबल हो सका सर आपने किया है। सर एक आपने जो डेफिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा जो मूव आपने किया सर, जो 2006 के बाद कभी चेंज नहीं हुई थी, जब से ये एमएसएमईडी एक्ट आया था उसमें आपने फिर उसके बाद बहुत सारे और भी जब जब हमें दिक्कत आई आपने जीएसटी के लिए चेंज किया। अभी रिसेंटली आपने जो उद्योग आधार मेमोरेंडम है उसको भी आपने कहा कि चलिए उसकी अवधि भी हम 31 दिसंबर तक बढ़ा देते हैं। सर मेरा उसमें एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर कोई कंपनी बनाता है तो उसमें 10 रजिस्ट्रेशन साथ में मिल जाते हैं सर, ईपीएफ का है, ईएसआईसी का है, जीएसटी का है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि जैसे ही ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है और जैम का प्लेटफॉर्म है वहां पर सर रजिस्ट्रेशन करने में लोगों को काफी दिक्कत होती है, अगर इसके साथ में ये हो जाए कि जैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन हो आपको साथ में ट्रेड्स और जैम का रजिस्ट्रेशन भी साथ साथ हो जाए, अगर एक दो इंफॉर्मेशन और चाहिए तो वो भी ले लें। एक दूसरी सर ये है कि जो एमएसएमई में लास्ट का जो एम है सर, मीडियम स्केल है, उसके लिए कोई खास स्कीम नहीं है सर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए तो है। और मैं खास तौर से जो बात कर रहा हूं सर वो मैं बात कर रहा हूं जैसे डिलेड पेमेंट की, डिलेड पेमेंट के लिए मीडियम एंटरप्राइजेस भी काफी परेशान रहते हैं सर। अगर ये जो बाद वाला एम है सर, मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको भी सर कुछ इस एमएसएमई के पूरे एम्बिट में जोड़ लिया जाए तो मैं समझता हूँ सर ये एमएसएमई का सही मायने में एक मदद होगी। सर एक आजकल काफी एमएसएमई की डिमांड है कि भाई जो प्राइस हाइक हो गया है कमोडिटीज में, उसमें सर जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या जो पीएसयूज हैं, सीपीएससीज हैं, कम से कम उसमें सर अगर कोई प्राइस एस्केलेशन क्लॉज अगर आ जाए तो उससे शायद इन एमएसएमई को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि सर रेट्स प्री डिसाइडेड हैं और जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी एकदम या तो कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो लॉस में चले जाते हैं। सर एक हम डेटा जो हम जानते हैं कि 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई हैं, लेकिन अभी केवल 35 लाख और 40 लाख के बीच में इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो आपने एक नया मूव शुरू किया है वो वहां पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ड्राइव चलाना चाहिए जैसे आपने, आपकी सरकार ने चलाया सर, कि आधार रजिस्ट्रेशन का चलाया, वोटर कार्ड के लिए चलाया, या चाहे वो जनधन अकाउंट के लिए चलाया, इसी तरह से इन एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐसी ड्राइव चलनी चाहिए जिसमें सब लोगों को साथ लिया जाए सर, चाहे वो एमएसएमई की एसोसिएशन हो या और जितने भी लोग हैं, किसी भी तरह से वो एक ऐसा ड्राइव चलाया जाए कि ये जो 6 करोड़ लोग हैं इनका डेटा हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर हम इनकी मदद करना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि हम किन की मदद करना चाह रहे हैं और उनकी मदद अलग अलग सेक्टर वाइज हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सर अभी तो रिजर्व बैंक ने भी कह दिया है कि प्रायोरिटी सेक्टर की जो लेंडिंग के जो रेट्स हैं और जो बेनिफिट्स हैं केवल उन्हीं यूनिट्स को मिल पाएंगी जिनका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो इसलिए जो भी स्कीम्स हैं उनका फायदा लेने के लिए सर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाने की जरूरत है। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि सर जब तक ये नहीं हो पाता, एक सर्टेन लेवल तक हम नहीं पहुंच पाते, तब तक के लिए आपने 31 दिसंबर किया है, लेकिन इसको अगर और 1-2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए तो शायद इस एमएसएमई की और मदद होगी। सर एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपसे रखना चाहता हूँ सर, डिलेड पेमेंट जो आपने एक बार एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और मुझे आपने उसमें मौका भी दिया था सर अपना एक प्रेजेंटेशन देने का, सर उसमें डिलेड पेमेंट में दो तीन अगर चीजें कर दी शायद सर तो शायद एमएसएमई को बहुत फायदा होगा। एक तो सर क्या होता है जो एमएससीएफसी हैं हमारी, वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का पार्ट है सर, लेकिन सर उनमें दिक्कत ये होती है कि एक्ट में प्रोविजन है कि भाई 90 डेज के अंदर आपको डिसीजन देना है, सर हमने देखा है कि वो कई कई साल भी लग जाते हैं और वहां पर एमएससीएफसी से डिसीजन नहीं हो पाते। दूसरा होता ये है सर जब एमएससीएफसी अगर ये फैसिलिटेशन काउंसिल अगर अपना डिसीजन अवार्ड दे भी देती है, उसके बाद सर अपोजिट पार्टी तो लीगली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो चले जाते हैं कोर्ट्स में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सर अगर इसका कुछ ऐसा किया जाए इस पेंडेमिक को देखते हुए कि भाई कम से कम कुछ समय के लिए, मे बी साल भर के लिए आप कर दें कि अगर एमएससीएफसी का कोई अवार्ड आ गया उसके बाद प्लीज अपील ना करी जाए, और अगर अपील करी भी जाए तो 75% जो अवार्ड का अमाउंट है वो कोर्ट में ना जमा करके अगर वो दे दिया जाए इन एमएसएमई को, क्योंकि सर अगर ये एमएसएमई का पेमेंट नहीं मिलेगा तो सबको पूरे सिस्टम को गड़बड़ दिक्कत होगी, ये बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो वहां पर वो एनपीए हो जाएंगे, तब भी हमारी इकोनॉमी को ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं समझता हूँ सर इसमें
कुछ ऐसा एमएसएफसीज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि जिससे इन एमएसएमईज की मदद हो सके। सर, एनसीएलटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट, लेकिन वहां पर जो डिफॉल्ट अमाउंट है सीधा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया, 1 लाख टू 100 लाख। अगर वहां पर भी उसको 1 लाख से कुछ 10 लाख कर दिया जाए तो शायद इन एमएसएमईज के लिए मैं समझता हूँ कि काफी कुछ मदद मिल सकती है। और सर, एक डिमांड ये भी थी कि भाई जो एमएसएमई टाइम से रीपेमेंट करते हैं बैंक का, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, जो जीएसटी सही देते हैं, उनको अगर कुछ स्टार रेटिंग दे दिया जाए एमएसएमई मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि उनको जब वो बैंक जाए या किसी और भी डिपार्टमेंट में जाए और अपना वो एक कार्ड दिखा दें कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने मुझे या एक स्टार रेटिंग दे रखी है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा मदद होगा इन एमएसएमईज के लिए। सर, कुछ समय के लिए ये जो रेटिंग है या जो सिबिल की क्रेडिट स्कोर है, इन चीजों को अगर बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर मेरा कभी रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, मैंने कभी ओटीएस करा लिया, तो भैया जिंदगी भर के लिए मेरी स्कोर रेटिंग खत्म हो जाएगी, तब मुझे कैसे आगे लोन मिल पाएगा। सर, आपने ईसीजीएल में 1, 2, 3, 4 आप लाए, वो था एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेस अकाउंट है उनके लिए तो ठीक है सर, लेकिन जो नए एंटरप्रेनर्स हैं सर, मेरा उनके लिए ये रिक्वेस्ट है सर, उनके अधिकतर ये शिकायत रहती है कि भैया बैंक हमें लोन नहीं देते। हम बैंक की बात भी समझते हैं कि बैंक्स भी पब्लिक मनी में डील कर रहे हैं, तो उनको भी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करने की जरूरत है। बस हमारी रिक्वेस्ट सर ये है कि डिसीजन टाइम से हो जाना चाहिए, मतलब यह है कि अगर देना है लोन तो भी ठीक है, नहीं देना है तो आप रीजन बता दीजिए कि हम क्यों आप हमें लोन नहीं देना चाहते। उसके लिए सर मेरा एक सजेशन है सिंपल सा, कि जैसे उद्यमी मित्रा सिडबी ने शुरू किया है, बहुत अच्छा पोर्टल है, अगर उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि जैसे ही मैं अपनी लोन एप्लीकेशन वहां सबमिट करूं, वो मेरा एक अकाउंट खुल जाए वहां पर, और जिस बैंक में या जिस ब्रांच में वो जाना चाहे एप्लीकेशन जाए, जब वो एप्लीकेशन किसी ब्रांच में चली जाए, वहां पर सर सिस्टम ये होना चाहिए कि वहां दिखना चाहिए कि ब्रांच मैनेजर साहब ने किस दिन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजी, किस दिन उन्होंने इंस्पेक्शन किया, अगर पॉसिबल हो तो इंस्पेक्शन का फोटो भी लगा दें, किस दिन प्रमोटर से डिस्कशन किया, किस दिन उसका अप्रीजल किया, किस दिन उस कमेटी में पुटअप किया जिसने मना किया है या सेंक्शन किया है। और जो रिजेक्शन है सर, वो ब्रांच लेवल पे ऐसे नहीं होना चाहिए, वहां पर ये होना चाहिए कि भाई किस तरह से, किस बेस पर ये रिजेक्ट हुआ, और जो कमेटी है वो ही उसको रिजेक्ट करे। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं यही कहूंगा कि ये स्टार्टअप जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और मैं बड़ा पॉजिटिव हूं, मैं तो कहूंगा मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, खुशियां मिल जाएगी एक दिन रोते रोते ही सही, कमजोर दिल के हैं वो जो हंसने की सोचते ही नहीं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, और मैं अब आपको आमंत्रित करूं सर, उससे पहले मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा इंट्रोडक्शन और स्वागत श्री रमन जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। सर रमन जी, स्वागत है आपका। आदरणीय मंत्री जी, नितिन गडकरी जी, कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर गुप्ता जी, अदर पैनलिस्ट एंड फ्रेंड्स, हमको बहुत खुशी है कि इस अवसर पे हमें एक आपने इनविटेशन देके मंत्री जी के सामने कुछ शब्द अगर हम कह सकते हैं तो हमारी खुशी है। सरकार ने बहुत कोशिश की है पिछले 18 महीने में, जब कोविड के बाद इसमें अपनी इंडस्ट्री और इकोनॉमी में इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और सबको पता है कि एमएसएमई इंडस्ट्री, एमएसएमई यूनिट्स हमारी इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। सिडबी इसमें क्या कर रही है, इस बारे में हम कुछ शब्द कहना चाहेंगे। सिडबी इज अ बैंक, सिडबी इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिडबी की ये दोनों मैंडेट हैं सिडबी की अपनी लॉ में। सिडबी एसबीआई जैसे बड़ी बैंक नहीं है, छोटी बैंक है, पर सिडबी बहुत कम इंटरेस्ट में लोन्स देती है। तो जब कोविड आई थी और इमीडिएटली लोन्स देने की बात हुई थी फॉर हेल्थ सेक्टर, सिडबी हैड कम अप विथ स्कीम्स वेयर इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% एंड 5.5% वाज मेड अवेलेबल फॉर एमएसएमई लोन्स। सिडबी छोटी लोन देती है और कभी अप टू 25-30 crores की भी लोन देती है। सिडबी की फोकस एमएसएमई पे है, और एमएसएमई की जो
ब्रेथ है एमएसएमई में, जैसे गुप्ता जी ने बताया मीडियम लो यूनिट्स हैं और माइक्रो यूनिट्स हैं। सिडबी की ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि स्मॉल एंड माइक्रो यूनिट्स की बेनिफिट के लिए काम किए। अब सिडबी जो है काफी चीज अब डिजिटाइज भी कर रही है, सिडबी की अपनी प्रोसेसेस भी पूरी डिजिटाइज हो रही है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सिडबी विल बिकम अ लीडर वेयर एमएसएमईज विल बी एबल टू लॉग इन टू सिडबीज पोर्टल, देयर विल बी क्रेडिट, देयर विल बी नॉलेज, देयर विल बी कनेक्शन विथ मेंटर्स, कनेक्शंस विथ क्रेडिट काउंसलर्स। ये सब जो चीजें हैं हम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्वालंबन चैलेंज फंड, स्वालंबन फैसिलिटी सेंटर, ये सब चीजें अब बन रही हैं। ये पूरी की पूरी डिजिटल तरीके से ये पेश करेंगे। सिडबी की ऐप पे आके एक एमएसएमई अपनी चॉइस के मुताबिक सर्विसेज चूज कर सकते हैं। सिडबी के थ्रू आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सिडबी के थ्रू आपकी क्रेडिट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट मिल सकती है। सिडबी हैज स्टार्टेड एंड अलोंग विद अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्रिएटेड 59 मिनट लोन प्लेटफॉर्म। आज के दिन पे वो 59 मिनट्स नहीं, वो एक्चुअली 25 मिनट्स पे पहुंच गई है, जहां एप्लीकेशन एमएसएमई की 25 मिनट्स में ही बैंक एक्सेप्ट कर सकती है। सिडबी आगे की तरफ देख रही है, ग्रीन एनर्जी, सोलर स्कीम्स, क्लीन फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, these are the future of our country. SIDBI is putting up schemes where to maintain solar energy farms. It is basically an MSME intensive activity to support and maintain electric vehicles in the future will again be an MSME activity. These are the specific areas in which SIDBI is working with the stakeholders, coming out with plans of how to support MSMEs through debt with low interest rate, even through equity participation. क्योंकि सिडबी की ये एक खूबियत है कि सिडबी दोनों debt और equity दे सकती है, और कभी MSMEs को equity की भी जरूरत पड़ती है। सिडबी की ये प्रयास है कि प्रयास platform पे micro entrepreneurs, micro units को भी हम लोग लोअर इंटरेस्ट रेट्स में हम लोन्स दे पाए, क्योंकि आज के दिन पे माइक्रो यूनिट्स जो हैं, जो बिल्कुल गांव और छोटे टाउन्स में हैं, उनको लोकल मनी लेंडर्स और कम्युनिटी लेंडर्स के तहत 30-40% इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो हम लोगों की ये कोशिश रही है विद द हेल्प ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, एमएसएमई मिनिस्ट्री की इतने सारे स्कीम्स हैं, डीएफएस के स्कीम्स हैं, तो उसके तहत हमारी यही कोशिश रहेगी कि माइक्रो यूनिट्स को भी हम लोग 14-18% के बीच में लोन्स दे पाए। तो ये प्रयास जो हमारी एक प्योरली डिजिटल बेसिस पे एक स्कीम है, जिसमें हमारी पार्टनर्स होंगी एट द लोअर लेवल, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स और बिग बास्केट जैसे पार्टनर्स हैं, जिनके थ्रू हम उनके उनके जो कॉन्ट्रैक्टेड लोग हैं उनको हम लोग लोन दे पाएंगे। सर आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर विद यू, थैंक यू गुप्ता जी। सो मैं क्षमा चाहता हूँ रमन साहब, थोड़ा मुझे आपको बीच में टोकना पड़ा। सर अगर आप बस परमिशन दे तो एक मिनट के 30 seconds वी कैन गिव टू मिस्टर कर्नल गुप्ता, he want to raise his issue. Sir, I would like to first wish happy International MSME Day. Sir, I have two main points which I wanted to bring to your kind notice. Is one is, sir, after publishing of Make in India Public Procurement Policy in 2017, two public procurement policies are active in the government tenders, where one is the Make in India Public Procurement Policy
and another is the MSME public procurement policy. In Make in India policy, all types of companies, whether large or small, qualifies and are eligible for L1 plus 20% purchase preference for 50% of the tender quantity. Whereas in MSME procurement policy, SMEs companies are only eligible for L1 plus 15% purchase preference, and that only for 25% of the tender quantity. So there is a gap between these policies which has occurred, and where large scale companies can get extra benefit of 5% in purchase preference while quoting when compared to SMEs, and will be eligible to take 50% of the tender quantity instead of 25% which is received by SMEs. So my second point is, sir, as competition is increasing day by day against MNCs and large scale companies, there should be some kind of mechanism or assurance of orders to work for SMEs in the form of rate contracts for a period of 3 years, which is for even if there is a single SME in India. This clause is already available in clause 7 of the MSME public procurement policy 2012, which is not being followed by PSUs and True Spirit, sir. Sir, thank you so much for giving me this time, and thank you, sir. सो बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं अब वो समय आ गया है जब हमें सुनना है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सर स्वागत है सर, और क्षमा चाहते हैं सर कुछ देरी के लिए, पर हमारे दिल में जो बहुत सारे सवाल होते हैं, हम चाहते हैं कि सब आपको सुना दे, शायद यही इसका कारण है. सो आप जहां भी हैं प्लीज तालियों से एक बार स्वागत कीजिएगा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का. नमस्कार श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन जी सीएमडी सिडबी, श्री मुकेश मोहन गुप्ता जी प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, श्री तेजस गोयनका, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड आई एम गिविंग माई ऑल बेस्ट विशेष टू ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर रिलेटेड विथ एमएसएमई for MSME Day. MSME contribute 30% of the GDP growth in the country and up till now created 11 crore jobs. The MSME about 90% of business and more than 50% of employment worldwide. MSME's contribution is very important. We have more than 6 crore MSMEs have a crucial role to play in building a stronger and self-reliant India. And as far as the dream of our Prime Minister to make India as Atmanirbhar Bharat, the role of MSME is very important, and we are expecting too much contribution from MSME regarding this mission of Prime Minister Narendra Modi ji. MSMEs contribute significantly in the economic and social development of the country by fostering entrepreneurship and generating large employment opportunities. I am giving my special thanks to Mukesh Mohan Gupta, President of Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, for doing a lot of activities related with MSME and helping to the new entrepreneurs. Particularly, it is very important, already in your introduction, you giving the reference of different schemes from Reserve Bank, from SIDB, from MSME, from different department. The problem in the system is that everyone is thinking in the silo system. This is the time that we need to integrate the schemes by which we can give more benefit to the entrepreneurs, MSME entrepreneurs. So what you are doing is excellently very good. Regarding knowledge is very important. Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. But the most important thing is, whatever the advantage related with the MSME from state government, from central government, from different departments, where people like you who can give a correct guideline to the MSME entrepreneurs that how they are benefited from that. Here the integrated approach is very important, and you are making giving service to the people who are related with the MSMEs. It's really good, and I'm giving my special thanks to you for your jobs.
The second important thing which I am going to suggest to you, that the idea in my mind is about the rating of MSMEs. Actually, the largely speaking, power banking point of view, I am also requesting the MD of SIDBI, CMD of SIDBI, Mr. Ramanji, that how we can make the rating of MSMEs. That is very important. Always we have a problem, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती. Those who have good bank turnover, those who have good GST record and income tax record, those who have all type of certificates and licenses and doing exports and the balance sheet of 5 years is very good. These are the more point, but I am not the expert person. The CMD of SIDBI and the person like the Mr. Gupta, and I appeal to all of you that can you fix a simple methodology by which we can make the rating of MSMEs. Actually, if they approach to the rating to the big financial institution, their charge is very high. So somewhere in every district, we can make some qualification for the charter accountants and giving them criteria that on the basis of that criteria, they will certify and they will give the rating to the MSMEs, or whether it can be given to the bankers or NBFCs, even they can make the rating for the institution, for the MSMEs, or some other alternative if you have, please kindly tell me. I am searching and I am appealing to the people for giving me the suggestion for that. By the simple methodology, transparent methodology, we can make the rating of MSMEs and which can be useful for them to get finance from the banks and institutions. So this is the very important thing. Second thing, there may be AAA star, triple B, C, whatever the system you can decide, we want to make it. And this is one of the important things for development of MSMEs. The other important thing is regarding the payments. Actually, frankly speaking, I'm apologist about the situation that still we have not find out alternative good solution for that. We need to find out some way out for that, but presently, by taking any action on any industry or any government because of COVID-19, it's not good. But this is one of the big problems where MSMEs are facing a lot of problem. The most important thing is the MSMEs, particularly the bankers and the people like you, where we are expecting that give the guidance to the people. Now I'm giving an example, and it is for, I will request Honorable CMD of SIDBI, that now we are converting diesel buses into CNG. All over the country, the huge market is there. There we are making flex engines. Then we are making taxis on electrics. We are already transferring now trucks of diesel truck on LNG. All these are economically viable solutions. For example, even we are now changing tractor for on bio CNG, where 1 lakh rupees of saving per every year, and the kit cost is 40 to 45 to 50 thousand rupees. So 100% this is import substitute, cost effective, pollution free. The cost for conversion of diesel truck on LNG, it is 12 lakhs, but they will get their money back within 2 years. That is the economics is there. So you can make an extra account and you can get your money back. Even we can make electric taxis. Now our idea is to make electric two-wheeler bike and a biofuel bike and scooter to take it as a taxi for one person. So these are the new innovative ideas where we can create more employment potential. It is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. What my suggestion to all of you, where on basis of economic data, we have to find out what are the business which are economically viable, which are going to create more employment potential, and where
we can make easily finance available for them and where they will get the employment. So this type of new initiative, there is a huge potential is available. Now in agriculture, the hydroponic, the greenhouse, there is a good economic viability is there. And for that reason, I will request you that 115 aspirant districts and agriculture, rural and tribal area, which are socially, economically, educationally backward, where this is the time that we need to find out the appropriate technology by which we can create more employment potential in that area. Because their contribution in GDP growth is very negligible, and that is one of the reasons that we cannot increase our growth. So today the agriculture, tribal, there were a lot of raw materials are available. And where the people have to train in a way by which we need to create entrepreneurship, that is very important. The technology and resources are very, very important. But as far as my opinion is concerned, the entrepreneurship is more important than that. I am giving Mr. Gupta special thanks to you that you are thinking on the line that how we can develop the Institute of Entrepreneurship by which we can develop the entrepreneurs which can be need of the country. So this is exactly we need. The third important thing is regarding ethics, economy, ecology and environment. In ecology and environment, we can make waste to wealth economy, where collection of plastic waste and using it for road construction, making it lot of value addition from it, it can be possible. If anyone can collect organic waste and conversion of organic waste and biomass into methane and bifurcate methane from CO2 to get bio-CNG, it is an alternative for green fuel, import substitute, cost effective, pollution free. So my suggestion is waste to wealth, alternative energy, green energy, which are related with regarding reducing pollution. Now we have Parali is a big problem in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and because of that, we are facing the crucial problem of pollution. Now 5 ton of Parali is giving 1 ton of bio-CNG. So this type of new technology, new innovations, new research in agriculture, rural and tribal area is very important. We are now making a lot of experiments on bamboo, making fabrics, making achar, making furniture. These are the industry. If the IKEA company coming to Hyderabad and making lot of wood material and making lot of furniture here, the Amazon is now exporting the material from MSME of 75,000 crore. There are lot of private marketing web portals are available. We are lot of people who are making handloom, handicrafts and different type of things. So taking technology to the appropriate entrepreneurs by which with the vision and with the training, with the skill, we can develop them. And that is exactly the your chamber is doing excellent job. I know that we have given a lot of opportunity when in the big program you present your presentation to me. So 100% our government is giving highest priority for development of MSME in the country. The rural agriculture in the tribal area, these are the MSMEs which are very important. The food processing, pre-cooling plant, cold storage, and different type of raw material which is available in the forest area. On the basis of that, we can plan for new technology, new innovations, and new research, which there is an import substitute, cost-effective, pollution-free, and indigenous. We can convert waste into wealth, and even we can make research study about the different type of industries and markets. On the basis of that, if we can give an appropriate vision to the new entrepreneurs by which they can start their own business and they will be benefited. One thing is absolutely correct that our Guptaji is giving reference about the tender process and other thing. We will consider that. But my suggestion is if you have a good quality, good packaging and delivery on time, you don't need government support. Now the whole world is now interested to make collaborations with Indian industries. Upgradation of the technology is very important. And the quality is the most important issue, 101% good quality.
and without compromise with the quality, we have to reduce the cost, production cost. For that reason, we need to reduce the technology cost, we need to reduce the labor cost, we need to reduce the power cost. Now we have already have a SIDBI has taken a scheme that every MSME, they on rooftop, they will have a solar panels by which they can reduce their bill of electricity. But we need cooperation from the state government for that. So there are to save money is to earn money. So how we can use value addition for different type of raw material, waste material from the MSMEs? How we can make good quality of material from that? How we can reduce the cost of production, cost of the different thing which we need for that? That is exactly the most important thing. And making the collaboration with the world best technology, we need to improve the quality. Without compromise with the quality, we need to reduce the cost. Regarding logistic cost, we are making pre-cooling plant, cold storage, logistic parts from NHI. The Commerce Ministry is also doing a lot of things. And that is the reason that we can give reduce the logistic cost. If we use LNG as a fuel for truck transport, we can reduce the logistic cost by 25% to 30%. If we can use electric trucks, then we can reduce the logistic cost by 60% to 70%. In place of diesel, if we can use CNG, we can reduce the cost. So these are the options which are now the technology is proven. Now Amazon has taken a decision taking all their transport fleet on electricity. So such type of new innovation, it is the time for the country that we need support from the financial institutions like SIDBI and banks. The most important thing which I will request all financial institutions like SIDBI and banks, that they should have a dashboard. If any person who apply for any scheme, there should be a monitoring system by which we can understand if the project is legitimate and genuine. Still, because of red tabism, it is to be pending there. This is not good. So it is the time of the scrutiny. Every time you need to find out the reason. I remember one incident with the meeting with the all chairman of the banks and the finance minister Nirmala Sitharaman ji. Some of the chairman was saying, we have completed our target. I asked them question, who has given you the target? Actually, it is not that you are expecting more finance to MSMEs, more than the target. Why you close the subject? Just because of showing Reserve Bank and government that our target is completed. Then 22% of the cases, which are actually, they are pending cases were there when we inquire about it, the jurisdiction of the bank was not on that area. So immediately they can transfer that case to the area where the area of jurisdiction of the bank, the branch which they have, they can transfer the case, but nothing was happened. So these are the small things. By monitoring, we need to help the legitimate and genuine MSMEs as early as possible. We should have a transparent digital policy, fast-track decision-making process, time-bound decision-making process, and the performance audit of the different MSMEs and the schemes, and which is very important. Actually, the role of non-banking financial institution is also equally important. They are also financing on large scale to MSMEs, the small people, and we need to encourage them. And this is the time that we need to find out exactly the capable entrepreneurs where we can help them as a financial supporter, as a technology provider, and as we can support them for the markets, and we can make the success story of them. The people, particularly scheduled caste, scheduled tribe, socially, economically, educationally backward, where we need to develop more jobs. Without creating jobs, we cannot eradicate the poverty. And eradicate of poverty is the mission for the government. And the dream of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, is to make Indian economy as a
number one global economy in the world. Without MSME's contribution, we cannot do it. We have decided to make MSME contribution in GDP taking from 30% up to 40%. 48% presently export, we have our target is to make it 60% of the export from MSME. And up till now, we have created 11 crore jobs. Now we are planning to develop 5 crore new jobs. We need to develop more exports. And we need to find out which are the field where we are importing the material. The people like your chamber, CDB, institutions, they can find out what are the things which you are importing. Is it possible for us to make that all the imported material which we are importing, we can make it in India, made in India? We can support them for that. And that can be possible. On the basis of that, we need to focus the target. We need to reduce the export imports and increase the export. We need to concentrate on agriculture, rural, tribal, and 115 aspirant districts, and socially, economically, educationally backward entrepreneurs, people, particularly scheduled caste, scheduled tribe, and minorities. And we need to create entrepreneurship between them and give them all type of facility, finance, and technology by which they can stand on their own. And without that, we cannot make India Atmanirbhar Bharat. So this is the time, the huge potential is available. People are doing a lot of excellent jobs like your chamber. You are taking initiative, out-of-box thinking, helping to the people. This is very important. And now I am also trying to make a dashboard in my ministry by which I can monitor banks, CDB, all the people who are applying for it. It is very unfortunate for me when I am taking review in the Spurti and other schemes. 6 to 7 years it is taking to for approval. What is this? In the lifespan, if you give 7 years time for approval, what is this? I was very much annoyed about it. The people who are not working, I am suggesting take VRS. Otherwise, I will terminate you from the services. And I am giving them the target. And I request to CMD, CDB also. After the application, within 3 months, you take the decision and support him. After application in any government scheme, within 3 months, you decide and give him support. If there is a delay more than 3 months, it's not good. And it is the problem with the bureaucracy. They are making complicated schemes. This is from the state, this is from the district, this is from the deputy director. And no one has habit to take the decision at an appropriate time. The time is the most important capital in the business. And the people, those who are getting salary every month, they never understand the importance of time. And I am sorry for that. We have to make time-bound approach for all our schemes, incentives and other things. And that is exactly the important thing for all stakeholders and also for the government, by which we can have to make the system digitalized, making dashboards. Financial audit is important, but performance audit is very important. You find out where are the delays and you have to help to the people and find out the people, those who are making delays, those who are not taking the decisions, either suggest them for VRS or terminate them from the services. This type of non-performing assets who are in the administration, they are not useful for the country and for the nation. So this is the time by all of us to make our system transparent, time-bound, result-oriented and performance-oriented, and helping to the appropriate entrepreneurs, those have good track record. Always, I have already requested you to giving me the scheme by which we can make the rating of the MSMEs, and it can be easy for all of us to support them. The financial institution will support them immediately after receiving their rating. So 100% that will be easy. Now we have fund of fund by which MSME can go to the capital market and they will get 15% equity from our side, and the other amount they can raise from the capital market, that can be a great thing. In the world,
they have already developed insurance economy, pension economy, and share economy. But in India, we have a lot of opportunities and a lot of abilities by which we can develop this economy, where I will request the Honorable CMD of FIDBI also, that these are the new scheme where we can give opportunity to some MSMEs to go for capital market. And that can be a great thing. And the foreign, particularly the world, whole world now want to invest in Indian industries. Those MSMEs have good track record of turnover, GST and income tax. And by the system by which we can give them the rating, they will get good investment from abroad, from USA, from Canada, from European countries, from Dubai, Doha, Qatar, everywhere. They are very much interested because they are getting returns 2%. And Indian MSME, 100% I am confident, will offer more than 12% and 14% and 18% returns. So this can be a great thing for the country and for the industry also. So new thinking, new out-of-box, new ideas, which are very important for strengthening for this sector. And today you are working on that line. It is a great pleasure and pride for me. I am giving my all best wishes for MSME Days. Actually, it can be a really a great inspiration and motivation to all the entrepreneurs who are working with MSMEs. And I'm giving my best wishes to all the stakeholders and particularly you for organizing this program. Once again, thank you very much. Namaskar. I have to go to airport to take my flight for Nagpur, for Delhi. Thank you very much. Namaskar. Sir, thank you very much on my behalf, on behalf of Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, on behalf of SIDBI and Dainik Jagran, and on behalf of all the participants who are here, my deepest thanks to you, sir. And as you suggested regarding the rating and dashboard, I will definitely discuss with the chairman and managing director, SIDBI also, and we'll plan, because I know he is very positive person, sir. Whatever targets you have given, sir, be it GDP, be it employment, we together will definitely be able to achieve those. I would also like to thank here, sir, your entire team, maybe Mr. Rajgopal ji, Shri Dikshit ji, Shri Sunny ji, who are so much dedicated, in fact. So my thank you very much to all entire team. In fact, thank you very much to you. Thank you to the media, to the participants. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इतने व्यस्त समय में से सर आपने समय निकाला, जिस समय आपको तुरंत एक फ्लाइट भी पकड़नी है, उसके बावजूद भी आपने हमें अपने आशीर्वचन से हमें सर धन्य किया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच सर.